गुड इवनिंग एवरीवन, आई होप आई एम ऑडिबल एंड विजिबल. धीरज गुड इवनिंग बच्चा, ओजस्वी गुड इवनिंग, चेतन गुड इवनिंग, शुभ संध्या वेदांश बच्चा. चांद पे कब्जा करने के लिए मुबारकबाद आपको सबको. हाउ आर यू? आई एम गुड गुड. आप लोगों को भी यार, इट्स रियली अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ द इंडियंस. एंड बीइंग एन इंजीनियर थोड़ा ज़्यादा और प्राउड फीलिंग होती है. भले हम लोग कुछ कर नहीं रहे हैं, बट स्टिल लगता तो है अपने लोगों ने किया है. ठीक है, बट इट्स रियली अ प्राउड मोमेंट, नो डाउट इन दैट. अंकुश गुड इवनिंग बच्चा, गुड इवनिंग अंकित एंड दीप्रो, गुड इवनिंग बच्चा. ऋतुजा गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. आर्या गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. चलिए तो PYQ शुरू करते हैं. शुरू करने से पहले देख लेते हैं आज क्या इन्फॉर्मेशन है हमारे पास. यश गुड इवनिंग बच्चा, गुड इवनिंग. चलो यार वेदांश, अच्छी बात है. गुड गुड. अंकुश गुड इवनिंग बच्चा. सो सी यार, ये हमारे गेट के टॉपर्स हैं. ठीक है, 10% प्राइस ड्रॉप प्लस फ्लैट 20% ऑफ प्लस एक्स्ट्रा मंथ्स फ्री. ये ऑफर चल रहा है सिर्फ 25 अगस्त तक, यानी परसों तक रहेगा. टू अवेल द ऑफर यू कैन यूज द कोड आदित्य मैक्स. सो दिस इज द इन्फॉर्मेशन दैट वी हैव. आपको बस इतना पे करना है यार फॉर प्लस, और इतना पे करना है फॉर आइकॉनिक, और इतना सारा प्राइस ड्रॉप है आपका एक्स्ट्रा. सो यू कैन यूज इट. ओके, फ्री स्पेशल क्लासेस ओनली ऑन द अनअकैडमी ऐप 25 से लेकर 31 तक. कोई भी क्लास नहीं चलेगी अनअकैडमी के किसी भी यूट्यूब चैनल पे. सारी क्लासेस हम लोग स्पेशल क्लासेस में लेंगे फ्री. थ्री फेज सर्किट, जैसा कि आप लोगों को पता है, कल थ्री फेज शुरू करेंगे. कल थ्री फेज की क्लास लेंगे यूट्यूब पे. ध्यान रखना बेटा, कल क्लास जो है यूट्यूब पे है, स्पेशल पे नहीं है. कल स्पेशल पे क्लास नहीं है. मैं फिर रिपीट करूंगा बीच में, कल स्पेशल पे क्लास नहीं है, कल यूट्यूब पे क्लास है, सिर्फ कल. फिर 25 के बाद लगातार क्लासेस सिर्फ और सिर्फ स्पेशल पे हैं. कोई भी एजुकेटर यूट्यूब पे क्लास नहीं लेगा 25 से 31 तक. दिस इज द स्पेशल लर्निंग वीक बेसिकली. सो फॉर दैट, गुड इवनिंग ECE एक्सपेरिमेंट बच्चा, गुड इवनिंग. ओके, then this is the batch which is starting on August 30th. You can join this batch. It is both for electronics and electrical students for GATE 2024 and 2025. So you can join this. Okay, agar aap iconic subscription lete hain to ye sari books aapko milti hain. One of the benefits of the iconic subscription, ye isi ki book ki list hai, ye electrical walon ki hai. और इतना आपको पर मंथ पे करना है. अगर आप पर मंथ पे ब्रेक करना चाहते हो, एज लो एज दिस, एज लो एज दिस. 0% इंटरेस्ट ऑन द लोन है, कोई एक्स्ट्रा नहीं देना आपको. अब मैं देखता हूँ क्या क्या आप लोग बोल रहे हैं. हेलो आदर्श बच्चा, सैयद गुड इवनिंग बच्चा. हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम. रजनीकांत गुड इवनिंग बच्चा. नेटवर्क की क्लास है इसलिए मॉर्निंग हो गया. कोई बात नहीं, थ्री फेज ECE वाले भी कर सकते हैं. बेटा अंकुश करना चाहो तो बिल्कुल कर सकते हो यार, किसने मना किया. अगर इंजीनियरिंग सर्विसेज देना है सो इट विल हेल्प यू, बिकॉज बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है. पुनीत गुड इवनिंग बच्चा. दीपक गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. तो स्टार्ट करते हैं, है ना, स्टार्ट करते हैं क्लास अपनी. फिर बीच में दोबारा से एक बार रिपीट कर दूंगा क्लासेस कब क्या है, ताकि आपको दिक्कत ना आए बिल्कुल भी क्लासेस ज्वाइन करने में. सो शैल वी स्टार्ट, शैल वी स्टार्ट. ओके, हेलो योगेश बच्चा, हेलो. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. आज जितने भी क्वेश्चन हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपने क्लास में किए हुए हैं, और बहुत इजी क्वेश्चंस हैं. आज एक दो को छोड़ दो, अदरवाइज बहुत इजी क्वेश्चंस हैं. मोस्ट ऑफ यू विल बी एबल टू सॉल्व, आई थिंक विल बी एबल टू सॉल्व मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस टुडे. कुणाल गुड इवनिंग बच्चा, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग इलेक्ट्रिक इन्फिनिटी. थ्री फेज सर्किट्स वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो. ध्यान रखना, कल रात को 9 बजे थ्री फेज की क्लास होगी, और वो रात यूट्यूब पे होगी 9 बजे. कल क्लास यूट्यूब पे है रात को 9 बजे, स्पेशल पे नहीं है. और 25 से 31 तक सारी क्लासेस स्पेशल पे, सारे एजुकेटर स्पेशल पे लेंगे. यूट्यूब पे कोई क्लास नहीं होगी, टोटल साइलेंस रहेगा यूट्यूब पे 21 से 31. दैट इज स्पेशल लर्निंग वीक, विल बी ऑन स्पेशल. योगेश गुड इवनिंग बच्चा, गुड इवनिंग.
those who are watching the class on the YouTube, but if you solve the question, you can write the answer in the chat box. That question number 15, I got option E, like that. Good evening, Pawan Bacha, good evening. Good, good, Electrical Infinity, shabash, shabash Bacha, good. सौरभ बेटा चैट में कभी आंसर नहीं लिखना है, ठीक है? शायद आपकी पहली क्लास है इसलिए कोई बात नहीं, मैं पोल दिया हुआ है ना बेटा, पोल में क्लिक करना है। गुड इवनिंग विक्रमजीत, मैंने आपको पोल दिया हुआ है, पोल में क्लिक करना है, आपका ए आया, बी आया, सी आया या डी आया है, ठीक है? अगर आप चैट में लिख देंगे तो सबको आंसर पता लग जाएगा, एवरीबडी विल टिक दैट आंसर, पोल ख़त्म हो जाएगा। अभी हो सकता है आपका गलत हो सही हो आंसर, कुछ पता नहीं, मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाह रहा इसके ऊपर, लेकिन आंसर क्लिक करना है, अदरवाइज नेक्स्ट टाइम बेटा ऐसा करोगे फिर मैं ब्लॉक कर दूंगा क्लास से, क्योंकि फिर वो पोलिंग का मतलब खत्म हो जाता है ना बेटा क्लास में, फिर पोलिंग का मतलब नहीं बचेगा, दैट्स व्हाई आंसर नहीं लिखना है किसी ने। शांतन त्रिपाठी, गुड बच्चा, एब्सोल्युटली राइट। 1 2 3 काला बेटा, 8 क्या है? कविता गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चा। इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया है, ठीक है? कोई पहली बार डिराइव कर दो। गुड इवनिंग बच्चा, मैं अच्छा हूँ, पूछने के लिए धन्यवाद। मुझे नहीं बन पाया आदर्श, तुम्हें मार पड़ेगी, कॉपी क्यों नहीं रिवाइज कर रहे हो, नोट्स में करवाया हुआ बेटा, अभी तो मैं सीधा आंसर लिखूंगा नोट्स, क्लास में तो डिराइव करवाया हुआ और दो मेथड से करवाया हुआ WLT निकालना, जहाँ पे मैंने ये मिसकंसेप्शन दूर करी थी कि अगर डीसी करंट है तो इंडक्टर एनर्जी स्टोर करता है कि नहीं करता है, ठीक है? क्योंकि वोल्टेज जीरो हो जाती है डीसी के केस में, वो पूरा समझाया हुआ है बेटा, नोट्स याद करो, एग्जाम में नहीं बनेगा नहीं तो क्वेश्चन, नोट्स याद करो। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। वो कह रहा है हमारे पास करंट की एक वेव फॉर्म है, ये कोई करंट है, ये पास कर रही है एक इंडक्टर से, अच्छा किसी इंडक्टर से पास कर रही है, जिसकी रेजिस्टेंस 1 ओम है और इंडक्टेंस 2 हेनरी है, ठीक है? जिसकी इंडक्टेंस 1 ओम है और सॉरी रेजिस्टेंस 1 ओम है और इंडक्टेंस 2 हेनरी है, सौरभ बेटा जैसी क्लास ख़त्म होगी ये वाली, ये सारे नोट्स, अब जैसे कल वाली क्लास है उसमें जाओ, वहाँ पे एक बटन आ रहा होगा, क्लास में क्लिक करना मेरी, वहाँ पे बटन आ रहा होगा PDF, PDF पे क्लिक करोगे, वहाँ आएगा विद एनोटेशंस विदाउट एनोटेशंस, विद एनोटेशन को डाउनलोड कर लेना, ये पूरे नोट्स जो मैं लिख रहा हूँ ये वैसे के वैसे ही आपको अनअकैडमी प्रोवाइड करवाता है, तो आपको पूरे नोट्स मिल जाएंगे। 1 ओम 2 हेनरी, काम की चीज़ सिर्फ समझने वाली ये है कि इसमें ये छोटा करके बनाते हैं, ये पूरा का पूरा इंडक्टर है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट, ये मैंने तब भी क्लास में आपको डिटेल में बताया था, दिस होल इज इंडक्टर, बिकॉज वो क्या बोल रहा है, एक इंडक्टर जिसकी रेजिस्टेंस इतनी और इंडक्टेंस इतनी, सो दिस होल इज द इंडक्टर। फिर वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द इंडक्टर इन द फर्स्ट 4 सेकेंड इज, पहले 4 सेकंड में इंडक्टर के द्वारा कितनी एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब की गई। तो देखो यार, एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द इंडक्टर विल बी एनर्जी एब्जॉर्ब बाय दिस इंडक्टेंस वैल्यू एंड बाय दिस रेजिस्टेंस वैल्यू, क्योंकि पूरा इंडक्टर है, सो दीज टू आई हैव टू कैलकुलेट। तो सबसे पहले एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द इंडक्टर फ्रॉम 0 to 4 सेकेंड, आई होप आपने जिससे भी पढ़ा है, अगर पढ़ा हुआ है तो आपको ये डेरिवेशन करवाई होगी, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ जो डिराइव किया हुआ है हम लोगों ने। सो व्हाट विल बी हाफ, व्हाट विल बी फॉर्मूला, हाफ एल आई स्क्वायर टी टू माइनस आई स्क्वायर टी वन
वेयर टी टू इज 4 सेकेंड, टी वन इज 0 सेकेंड, क्योंकि वो पहले 4 सेकेंड की बात कर रहा है, 0 से 4 सेकेंड तक. सो हाफ, व्हाट इज द एल वैल्यू, एल इज 2, आई स्क्वायर टी टू, टी टू पे कितना था 6 माइनस 0, हेंस यू कैन सी दिस इज कमिंग एज 36 जूल्स. तो इंडक्टर 36 जूल एब्जॉर्ब कर रहा है पहले 4 सेकेंड में. अब देखते हैं रेजिस्टर कितना कर रहा है. इंटीग्रल 0 टू टी आई स्क्वायर आर डीटी, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू टी, करंट की इक्वेशन, सॉरी इसको ना स्प्लिट कर लेते हैं, 0 से टी को, मैं इसको लिमिट को स्प्लिट कर रहा हूँ, ठीक है. 0 से 2 तक करंट की इक्वेशन कुछ और है, 2 से 4 तक कुछ और है. तो पहले 0 से 2 तक स्प्लिट करते हैं. व्हाट इज द करंट, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द स्लोप, वाई इंटरसेप्ट इज 0, कितनी स्लोप है 6/2, दैट इज 3, सो 3t स्क्वायर, आर की वैल्यू 1 dt, प्लस इंटीग्रल 2 to 4 6 square dt, दिस कैन बी फर्दर रिटन एज 9 t square इज t³ डिवाइडेड बाई 3, लिमिट्स 0 to 2, प्लस 36, लिमिट्स 2 to 4, 36 t. सो दिस विल बी 3 मल्टीप्लाइड बाई 8 प्लस 36 मल्टीप्लाइड बाई 2, सो 24 लिख लेते हैं, प्लस 72, 96 जूल्स. देयरफॉर टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द इंडक्टर विल बी 36 प्लस 96, 132 जूल्स इज माय आंसर, इज माय आंसर, ठीक है. सो दिस इज माय आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Really easy questions are there. This is an easy question. और देखो गेट के क्वेश्चन है और अभी टफ आएंगे क्वेश्चंस, ठीक है. अभी एक दो दिन में क्वेश्चन थोड़े अच्छे हो जाएंगे. इलेक्ट्रिक इन्फिनिटी बेटा दोबारा चेक करो, जल्दी जल्दी में गड़बड़ होगी ना, दोबारा से चेक करो बेटा. मैंने जो बच्चे जल्दी जल्दी में ना, देखो अभी भी कुछ बच्चों ने गलत कर दिया. देखो मैंने क्या बोला था कल भी, टेक योर टाइम, ओके, टेक योर टाइम, बट ट्राई टू गेट मैक्सिमम एक्यूरेसी आउट ऑफ दिस क्लास. तुम लोग ये मान के चला करो कि तुम गेट के एग्जाम में बैठे हो. डू नॉट टेक इट कैजुअली, ट्रस्ट मी, मैं जो बोल रहा हूँ उसको मानो. दिस क्लास विल हेल्प यू अलॉट, बट इफ यू विल कैजुअली मार्क इट जस्ट लाइक ठीक है सॉल्व किया जो आ गया ठीक कर दिया, सो इट इज़ नॉट गोइंग टू इम्प्रूव यू फॉर द गेट एग्जाम. इफ यू वॉन्ट टू इम्प्रूव योर सेल्फ फॉर द गेट एग्जामिनेशन, टेक एवरी क्वेश्चन सीरियसली एज इफ यू आर सिटिंग इन द गेट एग्जामिनेशन एंड सॉल्विंग द क्वेश्चन. That way you will develop the stamina, that way you will improve your calculation mistakes, solve it properly. Time वैसे चाहिए तो नहीं, पर मैंने बढ़ा दिया एक मिनट बढ़ा दिया. मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था ये सारे 100% सही करेंगे सब लोग. कल 3-phase सर्किट स्टार्ट हो रहा है, मैं फिर कह रहा हूं प्लस वाले बच्चे मुझे दोबारा नहीं बोलना पढ़ाने के लिए, कल से 3-phase है. और कल YouTube पे क्लास है, क्रिएट्रिक्स और गेट अकेडमी दोनों चैनल पे हो रही है अनअकेडमी के. कल क्लास होगी रात को 9 बजे, 3-phase स्टार्ट करेंगे, फिर सारी क्लासेस स्पेशल पे होनी है.
बेटा टाइम लिमिट सर प्रेशर बन जाता है विजेश, इसीलिए तो ये क्लास में कहता हूँ कि इट इज़ लाइक अ मॉक टेस्ट है ना। नेटवर्क का क्वेश्चन मैं तुम्हें दे दूँ, मैं नॉर्मली बच्चों के पता क्या बोलता हूँ, मेंस का पेपर में ना नेटवर्क के क्वेश्चन बहुत ईजी है सॉल्व करना, क्यों टाइम बहुत है वहाँ तो तुम निकाल लोगे, बट अंडर प्रेशर टाइम लिमिट में जब सॉल्व करना पड़ता है ना बेटा तो गलतियाँ होती हैं गेट के पेपर में, और वही हमें डेवलप करना है। एक टाइम विश्वास रखो तुम रोज़ क्लास करो और सीरियसली क्लास करो तो 10-15 दिन के बाद तुम्हें जो वो टक 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 टाइम स्टार्ट होती है वो होता है ना दिमाग काम करना बंद कर देता है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा तुम्हारे साथ। चलो सो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। सर कैन रीड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इफ आई हैव नो आइडिया ऑफ एनालॉग। जाकिर इट डिपेंड्स ऑन द एडुकेटर हु इज टीचिंग, इफ ही इज टेकिंग केयर ऑफ दिस थिंग, इफ टेकिंग दिस इनटू कंसीडरेशन दैट स्टूडेंट हैज नॉट स्टडीड एनालॉग एंड हैज नो आइडिया अबाउट द बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टिल इफ ही सिटिंग इन द क्लास हाउ टू टेक केयर ऑफ दैट स्टूडेंट। सो आई डोंट नो हाउ सर टॉट एट दैट टाइम, आई हैव नो आइडिया। ओके मुझे पता नहीं है सर ने कैसे पढ़ाया, क्या सोच के पढ़ाया था। तो आप स्टार्ट कर सकते हैं और स्टार्ट करने के बाद अगर आपको लगता है कि दिक्कत आ रही है बिकॉज आपको होल्स इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स डिप्लीशन रीजन्स ये सब तो पता होना चाहिए। अगर ये नहीं पता है तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टार्टिंग का पोर्शन थोड़ा सा पढ़ लो, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। चलिए इन द फिगर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स पी और क्यू पॉइंट के बीच में बेटा पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है। ही इज आस्किंग यू टू कैलकुलेट वी पी क्यू। वट विल बी वी पी क्यू? सो यू कैन से वी पी क्यू विल बी Vp minus Vq, the potential at point P and the potential at point Q, the difference between these two will be my answer. Okay, welcome bacha, welcome. Now you need to find the value of Vp and Vq. How to do it? Obviously I'm gonna go for the nodal analysis, isn't it? So let's go for the nodal analysis. For applying the nodal, can you see voltage at R node is 10 volt? Because it is the model 2 of the nodal analysis where a voltage source is connected between a non-reference and a reference node. So the value of this node will be 10 volts. Mera ab aaya answer. Itna lamba hai kya? To dekhte hain. So let's go at node P. Main naam nahi likh raha kyunki short mein kar rahe hain. Yahan pe lagao beta KCL. Outgoing 2 plus Vp minus 10 divided by 2 plus Vp by 8 इज इक्वल टू ज़ीरो। इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा -5 -3 ऑन 3, यहाँ चला गया 24, तो इस साइड क्या बचा 4 + 1 5p, 5vp इज इक्वल टू 24। सो यू कैन सी फ्रॉम हेयर वी पी इज कमिंग एज 24 by 5 5 4 20 48। दिस इज वी पी वैल्यू। Let's develop the equation at node Q. So incoming minus 2 plus Vq minus 10 divided by 4 plus Vq divided by 6 is equal to 0. So kitna le le 12 le lete hain. So 3Vq plus 2Vq 5Vq 12 liya hai humne. So minus 10 by 4. So 12 3 30, इट इज़ 54, चेक करना है क्या 54 ही आना चाहिए, बस चेक कर लेना। सो वी क्यू इज़ कमिंग इक्वल टू 510.8 वोल्ट्स। देयर फोर कैन सी कर देयर फोर वी पी क्यू सेक थर्ड इक्वेशन वी पी क्यू विल बी वी पी माइनस वी क्यू। वी पी इज़ कमिंग एज 4.8 minus Vq is coming as 10.8, hence the potential between points P and Q is coming as minus 6 volts. C is the correct option. अब क्या क्या लिख रहे हो तुम लोग? मेरा तो खुद बहुत लंबा हो गया और गलत भी। हाँ सर कैलकुलेशन में ध्यान ना दो तो ट्रिकी हो जाता है और गलत वाला ऑप्शन भी है इसमें। अच्छा ऐसा है क्या? धीरे धीरे सॉल्व किया करो, प्रैक्टिस करो। मुझे भी फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा लगा जैसे फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, कॉपी रिवाइज करो आदर्श बच्चे अच्छी तरह से। वो तो मैंने रीचेक कर लिया, सुनो ठीक है वेदांश, तुमने एक मिनट में वापस चेक भी कर लिया। ठीक है, मैंने आउटगोइंग करंट को माइनस टू ले लिया। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस हो रही है। आज गलती हुई है, अगली बार से ध्यान रखोगे, थोड़ा धीरे धीरे करो, साफ लिखा तो जैसे भाई एक नहीं आ। ठीक है, यस कैलकुलेशन मिस्टेक, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
मैं मैश से कर रहा था, तुम्हें नोड की वोल्टेज चाहिए, तुम मैश क्यों लगा रहे हो? हाँ शांतन बच्चा गुड, आपका भी सही था, इलेक्ट्रिक इन्फिनिटी यू ऑल्सो डिड इट करेक्टली बच्चा, शाबाश, गुड गुड। फिर गलत कर दिया किसी ने, अबे आराम से भाई, अभी 46 सेकंड बचे हैं, आराम से। गलत क्यों करते हो तुम लोग जल्दी में यार? मैंने कितनी बार कहा गेट के पेपर में यही करोगे, ऐसे क्वेश्चन गलत करके आओगे? तो तुम्हें जाना है पीएसयू में, आईआईटी में, आईएससी बेंगलोर में, और हरकत तुम्हारी ऐसी है कि इस क्वेश्चन को भी गलत कर रहे हो। टाइम हे भगवान, 90 सेकंड दिए थे मैंने, सफिशियंट है, चलो बढ़ा दिया टाइम। शाबाश इलेक्ट्रिक इन्फिनिटी, गुड यार गुड। बेटा नाम क्या है आपका? इलेक्ट्रिक इन्फिनिटी अजीब लगता है नाम, पता ना तो एक अच्छा लगता है। रणवीर यादव, गुड रणवीर, गुड बच्चा। संगम कितना टाइम यार, बढ़ा दिया फिर से टाइम मैंने, तुमने 3 मिनट के करीब ले लिया इसमें समय। शांतन गुड बच्चा, गुड शाबाश शाबाश। आप लोग जो मतलब बच्चे मेहनत कर रहे हो ना, एंड अच्छा मतलब दोज हु आर सीरियस अबाउट योर स्टडीज एंड वॉन्ट टू डू वेल, तो आप लोग कोशिश किया करो, ये जो ये वाली क्लास जब होती है ना मेरी पीवाईक्यू सीरीज वाली, ये अनअकैडमी की स्पेशल क्लास में आके किया करो, बिकॉज दैट इज ऑल्सो फ्री क्लास। उसमें क्या है बेटा, पोल अटेंड करते हो तो आप लोग लीडर बोर्ड में आ पाते हो, तो एक मोटिवेशन मिलता है और पता लगता है कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं बाकी के कंपैरेटिवली। डन, मुबारक हो। इसी एक्सपेरिमेंट लेक्चर बफर हो रहा है बेटा, मैं बेस्ट तरीका है अनअकैडमी की स्पेशल क्लास में आके क्लास कर लो। अनअकैडमी की स्पेशल क्लास जो है वो तुम्हारे मोबाइल में अगर एक छोटा सा डंडा होगा उस पर भी क्लास चल जाती है। विजेश कुछ बच्चा गुड। देखो कुणाल, दीपक, रोशन, आर्य और रूपल ने ऑलरेडी एक क्वेश्चन गलत कर दिया। रूपल कल इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी, आज गड़बड़ कर दी ना। अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है, इम्प्रूव करना है, बहुत टाइम लग गया इसमें, मेरा हो नहीं रहा आज। दीपक क्यों नहीं हो रहा है? चलो सॉल्व करते हैं बेटा, सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्यों नहीं हो रहा है। काफी कठिन, क्यों कठिन लगा देखते हैं। देखो उसने बोला है द वैल्यू ऑफ आर, रजिस्टर आर की वैल्यू निकालो। सबसे पहली चीज दिमाग में क्या आई होगी, रजिस्टर आर की वैल्यू निकालने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, इसके अक्रॉस वोल्टेज पता लग जाए, ठीक है, वी एक्स कह लेते हैं, और इसके थ्रू करंट पता लग जाए तो आंसर आएगा। दो गलत हो गए, कोई बात नहीं, थोड़ा ध्यान से करो बेटा। तो अगर मुझे इसके अक्रॉस वोल्टेज पता लग जाए और करंट पता लग जाए तभी आर निकाल सकता हूँ, अदरवाइज देर इज नो वे आई कैन कैलकुलेट आर। ऑब्वियस है, यहाँ तक तो अपने में सहमति है ना। अब हमने कहा कैसे निकालें, तो हमने वोल्टेज सोर्स केवीएल लगाने की कोशिश करी। आप केवीएल लगाओगे सीधा तो यू कैन सी वी एक्स इज कमिंग एज, मैं लिख देता हूँ, केवीएल लगा रहा हूँ, अदरवाइज सीधा पता लग रहा है पर मैं लगा देता हूँ, -100 प्लस वी एक्स प्लस 40 इज इक्वल टू जीरो। मैं इस पूरे लूप में घूम गया बाहर से, तो वी एक्स कितना आ गया 60 वोल्ट। अदरवाइज आप देख सकते थे बेटा इस नोड की पोटेंशियल, नोड लगा रहे हैं, इस नोड का कितना आएगा वोल्टेज 100 वोल्ट, इस नोड की कितनी आएगी 40 वोल्ट, हायर माइनस लोअर 100 माइनस 40 60। नाउ आई नीड आई एक्स। अब आई एक्स कैसे निकालूं? आई एक्स निकालने एक ही तरीका, केसीएल लगाना पड़ेगा, और तो कोई चारा नहीं है, है ना। यहाँ पे केसीएल लगा दो या यहाँ पे केसीएल लगा दो, इसके लिए मुझे या तो यहां पे करंट पता हो या तो यहां पे करंट पता हो। अब क्या करें, सोचते हैं। ये कह रहे हैं यहां से 5 यहां से 10, तो आप देखो यहां से 5 और यहां से 10, तो इसका मतलब ऊपर से कितनी आई 15,
यहाँ से 15 एम्पेयर आई, यहाँ से 15 एम्पेयर आ गई, तो यहाँ पे वोल्टेज कितनी प्रोड्यूस हो गई, 30 वोल्ट्स। यानी इस नोड की वैल्यू कितनी आ गई, 30 वोल्ट्स। सो नाउ यू कैन ईजीली सी यहाँ पे 40, यहाँ पे 30, तो वोल्टेज कितनी आ गई, 10। तो करंट कितनी गई यहाँ पे, 10/1, 10 एम्पेयर। 5 आ रही है, 10 जा रही है, तो इसका मतलब पक्का ऊपर से 5 आई होगी, 5 और 5 मिलके 10 देंगे। देयरफॉर IX कितना आ गया, 5 एम्पेयर। देयरफॉर R इज इक्वल टू VX/IX, दैट इज 60/5, हेंस 12 ओम्स इज माई आंसर। सर फर्स्ट आई ड्रॉ डायग्राम ऑफ एवरी क्वेश्चन देन सॉल्व, आदर्श पाप है ये, ठीक है बेटा ऐसा नहीं करना है। अनलेस अनटिल क्वेश्चन इस तरह का है कि हमें बनाना ही पड़ रहा है तो बनाना है, नहीं तो सर्किट को देख के वहीं से सॉल्व करना है। गेट में भी कंप्यूटर होगा ना, थोड़ी ना हम ड्रॉ करेंगे पूरा। बहुत ईजी था, 30 पे नोडल यूज़ किया, लेंथी हो गया, कोई बात नहीं सर, मैंने नोडल लगा के टाइम बर्बाद कर दिया, कोई बात नहीं आगे से ध्यान रखना है, कोई बात नहीं आगे से ध्यान रखना है, ठीक है। नवीन गुड बच्चा, गुड। इलेक्ट्रिक रणवीर बच्चा क्या बोल रहे हैं, सर मैं फ्री में अनअकैडमी के ऐप पे दे सकता हूँ? हाँ बेटा बिल्कुल, ये जो मैं क्लास ले रहा हूँ ये फ्री चल रही है अनअकैडमी पे। आप देखो जैसे अभी ऋषित है, देखो इसके नाम क्या आ गए यहाँ पे, सब्सक्राइबर नहीं आ रहा है, तो ये फ्री लर्नर है अपना, ठीक है। तो आप लोग अनअकैडमी के ऐप पे फ्री में पढ़ सकते हैं। क्लास में एंटर करने के लिए अगर करोगे तो वो कोड मांगेगा, आदित्य मैक्स लिख देना, ठीक है। चलिए सर मैं लेट हो गया, अब रोज़ 9 बजे ही चलेगी सर। हाँ रुद्रसेन, अब रोज़ 9 बजे चलेगी, क्लास में बच्चों ने बोला है तो मैंने इसलिए किया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं भी फ्री ना, हाँ पुनीत आप भी फ्री ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा। सफिशिएंट है इतना टाइम, नहीं वेदांश रोज 9 बजे है, 3 फेज वाली भी मैंने 9 बजे शिफ्ट कर दी है, 3 फेज वाली मैंने 9 बजे शिफ्ट कर दी हुई है। ये भी गलत कर दिया, क्या बात है, क्या बात है, मतलब ये क्वेश्चन गलत करना मतलब तुम्हारा टैलेंट है। शांतन गुड बच्चा, गुड शाबाश। ये देखना हो जस्ट भी, कोई बात नहीं। करंट इन आर ओम इज 5 एम्पेयर। नवीन पिछले क्वेश्चन के लिए बोल रहे हो ना, हाँ बेटा गुड 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 रणवीर गुड, पिछले क्वेश्चन के लिए सही कह रहे हो, पिछले क्वेश्चन में यही था, पिछले क्वेश्चन में 5 एम्पेयर ही आया था, तभी हमने 60/5 जो है वो कुछ किया, जो भी कैलकुलेशन थी वो सॉल्व करी थी। काम करना बंद होता जा रहा है, क्या करोगे फिर एग्जाम में, और तुम्हें इतनी डिटेल में नेटवर्क पढ़ाया है, एंड देर आर फ्यू सब्जेक्ट्स फॉर विच आई एम नोन इन द होल कंट्री, यू नो दैट, है ना, फिर भी ऐसे काम हो रहे हैं, कोई बात नहीं प्रैक्टिस करेंगे सीखेंगे। मैं तो यूट्यूब पे जा रहा हूँ, कमेंट्स पढ़ कर ही आंसर मार्क करूँगा, बहुत हैक्टिक हो रहा है, तुम देखो यहाँ पे, चलो सॉल्व करो। बहुत ईजी क्वेश्चन था यार, ठीक है, जिससे नहीं बना, लाइट आ गई सर, हाँ लाइट आ गई यार, जिससे नहीं बने देखते हैं क्यों नहीं बने, क्या हुआ है। देखो बेटा स्टेप बाय स्टेप चलो, स्टेप बाय स्टेप चलो। द वैल्यू ऑफ द सोर्स वोल्टेज, वो ई की वोल्टेज पूछ रहा है, सो ई की वैल्यू निकालने के लिए यू विल हैव टू गो विद द केवीएल, है ना। ई की वैल्यू निकालने के लिए हमें केवीएल ही लगाना पड़ेगा, और कोई चारा तो अपन को नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो हमने कहा चलो केवीएल लगाते हैं। कैसे लगाएंगे, मैंने कहा यार वोल्टेज पता होनी चाहिए, यहां तो मुझे वोल्टेज पता है 12 वोल्ट आएगी क्योंकि यहां से फ्लो कर रहा है, फिर मुझे यहाँ तो निकालने का मतलब नहीं क्योंकि करंट सोर्स आ रहा है, करंट सोर्स की वैल्यू नहीं पता, सो देर इज नो फन ऑफ गोइंग इन द आउटर लूप वेयर अ करंट सोर्स इज प्रेजेंट।
तो यहां से चलता हूं, यहां से चलता हूं, ठीक है। अब यहां से जब मैं जाऊंगा, मुझे यहां करंट नहीं पता तो वोल्टेज नहीं पता, पहले करंट निकालता हूं, वोल्टेज मिल जाएगी। करंट कैसे निकालूं, केसीएल देखता हूं। यहां से 1 एम्पेयर करंट आ रही है बेटा, यहां से 2 एम्पेयर आ रही है, दोनों मिलके कितनी जाएगी यहां पे 3 एम्पेयर। 3 × 6 कितना हो गया, 18 वोल्ट्स। नाउ अप्लाई द केवीएल इन दिस लूप, ई इज इक्वल टू 12 प्लस 18 इज इक्वल टू 30 वोल्ट्स। गॉट योर आंसर, ठीक है। सी तो बनना चाहिए, नहीं बनना कोई बात नहीं, हो जाता है, ठीक है, हो जाता है। अगला क्वेश्चन करते हैं। सर मुझे नेटवर्क अच्छा लगता है इसलिए आया हूँ, सॉल्यूशन करने में मज़ा आता है, पर और सब्जेक्ट वीक है सर, क्या करूँ? नवीन बच्चा, प्रॉपरली कॉन्सेप्चुअली कोई भी सब्जेक्ट पढ़ोगे तो वो अच्छा हो जाएगा, ठीक है। सो फर्स्टली ट्राई टू, मतलब अगर तो वो सब्जेक्ट पढ़ लिए हैं तो सिचुएशन अलग है, नहीं पढ़े हैं तो सिचुएशन अलग है। अगर तो नहीं पढ़े हैं तो पहले उनको पढ़ो, अगर पढ़ लिए हैं फिर भी वीक है तो पढ़ने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करो। देखो क्वेश्चन सॉल्व क्यों नहीं हो रहे PYQ, अगर आपसे बेटा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं आ रही, यार मुझे कॉन्सेप्ट क्लिक नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब आपको दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत है। कॉन्सेप्चुअली आपने क्रैम करके या पढ़ा है या पढ़ाया गया। और अगर आपसे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं पर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, आंसर देख के लगता है यार ये तो मुझे पता था यार, तो आपको इसका मतलब क्वेश्चन की प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो और ढेर सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, बट ऑलवेज स्टडी विद कॉन्सेप्ट। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर फुल स्टॉप भी लिखा है ना तो इस फुल स्टॉप का मतलब पता होना चाहिए, इस फुल स्टॉप का मतलब क्या है। इफ यू हैव कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देन यू कैन क्रैक एनी एग्जामिनेशन, दैट टू वेरी इजीली। गुड शांतन, गुड बच्चा, गुड। टाइम कुणाल, क्या कर रहे हो तुम लोग आज? अभी मैं सॉल्व करूंगा तुम देखना कितना टाइम लगेगा इसमें। लीडर बोर्ड मैं डाल दूंगा ग्रुप में तो चलेगा ना? कल पूछ के बताता हूँ संगम, कल पूछ के बताता हूँ। सर मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्वेश्चन देख के आंसर याद आ जाता है, कर जाता हूँ रिवीजन में क्या करूँ? आलस कर जाता हूँ रिवीजन में क्या करूँ? बेटा आलस नहीं करना है, अपना गोल याद रखो। कहते हैं ना, सुखार्थी को विद्या कहाँ और विद्यार्थी को सुख कहाँ, तो वही बात है। बस अपने आप को समझाया करो, 1 साल की मेहनत, तो उसके बाद पूरी ज़िंदगी आराम करूँगा, सारा दिन सोऊंगा। मैं भी ऐसे ही अपने आप को मोटिवेट करता था, व्हेन आई प्रिपेयर्ड फॉर माई एग्जामिनेशन। पढ़ना यार मजबूरी है, पढ़ना अच्छा कहाँ लगता है, मजबूरी है ना, तो इसलिए मजबूरी है, पढ़ना तो है। सो जस्ट मोटिवेट योर सेल्फ, ठीक है। सर थोड़ा और रुकिए, सर किस चीज़ के लिए रुकूँ? नवीन टाइम क्वेश्चन के लिए बोल रहे हो? फाइंड मोटिवेशन। तुम में से जितने बच्चों ने गलत किया ना, तुम लोगों को शर्म नहीं आ रही, करके आ रहे हो तुम लोग? मैं 100% कोरे कागज पे साइन करके दे रहा हूँ कि पहले तो ये वो स्टूडेंट है जो मेरे स्टूडेंट नहीं लग रहे मुझे, और दूसरा या तो तुम कॉपी रिवाइज करके नहीं आए हो, ठीक है। स्टडी मोटिवेशन बेटा वो जिस दिन मैं AMA सेशन लूंगा ना, आस्क मी एनीथिंग, उसमें डिस्कस करेंगे हाउ टू रिवाइज, व्हाट इज द स्ट्रेटेजी फॉर रिवीजन एंड ऑल दोस थिंग्स। आपको पता ही है AMA में ये सब डिस्कस करता हूँ मैं अक्सर, क्योंकि कॉमन डाउट्स होते हैं, रिवीजन कैसे करना है, मोटिवेशन नहीं मिल रही है, क्या करना है, तब बात करेंगे बेटा, ठीक है। इस कठिन सवाल को बनाते हैं, आर ओम की वैल्यू पूछ रहा है, दोबारा से वही चीज जो पिछली बार थी, कि यहां पे अगर वोल्टेज मिल गई तो आंसर मिल गया। अभी तो बताया तुम्हें कॉन्सेप्ट मैंने, अब यहां वोल्टेज निकालनी है, वोल्टेज कैसे निकालूं? ये Vx निकालनी है, तो कैसे लगाने का मतलब नहीं है, यहां से आई एज्यूम अगर लगाना है तो लगा लो, यहां से आई एज्यूम कर लो, यहां टू, यहां आई माइनस टू, यहां पे केवीएल लगाओ, आई की वैल्यू मिल जाएगी, यहां पे फिर केवीएल लगाओगे Vx मिल जाएगा। बट डोंट यू थिंक द बेटर वे टू डू इट, टेक दिस वन एज द डॉटम, इस नोड का आ गया Vx, लगा दो नोडल, Vx -100 डिवाइडेड बाई 10 प्लस Vx डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 2। सो यू कैन सी 2 Vx इज इक्वल टू 20 प्लस 100, नहीं क्या आ रहा है, कैलकुलेशन भाई चेक कर लो एक बार कितनी आ रही है, 10 20 हो गया ना ये यहाँ पे, और ये 2 Vx हो गया, 120 हो गया, 80 आ रहा है, क्या बात कर रहे हो?
Vx माइनस 100 बाई 10, Vx बाई 10, आउटगोइंग करंट प्लस 2, ये देखो, ये ना, जल्दी जल्दी में, प्लस 2 इक्वल टू 0, हाँ, इवन जल्दी जल्दी में, वो इस साइड लिख देना, मैं कह रहा हूँ, आंसर क्यों नहीं आ रहा है, सो 2Vx, ठीक है, माइनस 100 प्लस 20 माइनस 80, दैट इज इक्वल टू 80, Vx इज इक्वल टू 40 वोल्ट्स, एंड Vx इज 40 वोल्ट्स, देयरफॉर R इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 20 ओम, दैट इज 20 ओम्स, दिस इज द आंसर. बट ठीक है ना, मैं तो इस पे टैब में सॉल्व करना, इट्स ऑलवेज डिफिकल्ट, सॉल्विंग ऑन अ कॉपी इज ऑलवेज ईजी. और दूसरी चीज, मेरी गलती के लिए आंसर ही नहीं था, ठीक है, तो मैं सही कर लेता, किस्मत होती है तो अपनी. मैं सॉल्व कर रहा था, मेरा क्या आ रहा था, 60 बाई 2 आंसर है, वैसे यार आंसर तो है, गलत हो जाता वैसे, चलो कोई बात नहीं, किस्मत है, ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें तुम्हें टाइम लग सकता है, चलो ज़्यादा तो नहीं लगेगा, 2 मिनट ले लो, बहुत है, 2 मिनट मोर देन सफिशेंट है. मोस्टली क्वेश्चन नेटवर्क, सर इज देर एनी चैनल टीचिंग इन इंग्लिश? निशन मीन्स यू विल नॉट फाइंड अ पर्टिकुलर चैनल ऑन विच एवरीथिंग विल बी टॉट इन इंग्लिश, बट फ्यू लेक्चर्स, फ्यू सब्जेक्ट्स यू कैन फाइंड इन इंग्लिश, इन यू कैन फाइंड इट ऑन क्रिएट्रिक्स ऑल्सो, ऑन द गेट अकेडमी ऑल्सो, आई थिंक सम टॉपिक्स मस्ट हैव बीन टॉट इन इंग्लिश, बट ऑन द गेट, ऑन द क्रिएट्रिक्स आई थिंक देर आर फ्यू सब्जेक्ट्स विच आर टॉट इन इंग्लिश, यू कैन गो एंड चेक इट ओवर देयर. मोस्टली क्वेश्चन नेटवर्क के नोडल से ईजिली सॉल्व हो जाते हैं, मोस्टली शांतन, मोस्टली, पर कई बार होता है थोड़े टिपिकल हो जाते हैं. ये भी गलत कर दिया किसी ने, फॉर्मूला याद नहीं होगा. आई वॉज एक्सपेक्टिंग ईजी क्वेश्चन तो तुम लोग कर लोगे, आज तो तुमने बहुत गलत कर रहे हो तुम लोग आज. जल्दी में गलती, कोई बात, मैंने कितनी बार कहा जल्दी मत करो, ठीक है ना. गुड 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 स्टडी मोटिवेशन, राइट, एब्सोल्युटली राइट. इलेक्ट्रिक इन्फिनिटी, रणवीर और शांतन, आई थिंक दोनों ने कैलकुलेशन मिस्टेक करी है, ठीक है, दोनों कैलकुलेशन मिस्टेक करी है दोनों ने, चेक करो. टाइम प्लीज, लो भाई दे दिया. सर हाउ कैन आई रीच यू आफ्टर क्लास भानु? दैट इज़ नॉट पॉसिबल नाउ, इट्स यूज टू बी पॉसिबल, अब पॉसिबल नहीं हो पा होगा. फिर मैं पूछता हूँ, आजकल बात कर रही नहीं, मेरी टीम से कोई तरीका है? चलो स्टडी मोटिवेशन, गुड गुड. शांतन एंड रणवीर बेटा एक बार चेक करो, आर ए आर बी आर सी क्या है, एक बार चेक कर लो, सर्किट को देखो और वैल्यूज को देखो, मुझे पता कहाँ गड़बड़ कर रहे हो तुम लोग. हटियम नवीन किसका लिख रहे हो? चल विजेश, 2 गलत कर दिए. आई कैन अंडरस्टैंड भानु, बट नाउ देर इज नो अदर, नो ऑप्शन वेयर आई कैन कनेक्ट विद यू. सो पहले ग्रुप होता था, ग्रुप में भी मुझे मना है, देखते घुमा के दिया सीक्वेंस, ऑप्शन देख के हो गया. हम गलत करके आंसर सही निकाले, ओ गॉड. चलो कुणाल सही है, आया समझ में क्या गड़बड़ करिए. देखो बेटा, R1 अगर आपको चाहिए था, R1 क्या होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट, मतलब मैं अंदर बना देता हूं आपके लिए, बट आपको समझना था ना, ये खुद ही आप लोग आर ए इंटू आर बी करके सॉल्व कर रहे थे, और बेटा यहां आर बी इंटू आर सी था, ये आपके पास डेल्टा है विच यू वॉन्ट टू कन्वर्ट इंटू स्टार, एंड दिस इज आर वन. सो यहां से आर वन क्या होगा, आर बी इंटू आर सी,
upon sum of all the resistors Ra plus Rb plus Rc. Now let's put the value. Rb is 10, Rc is 10 divided by 20 plus 10 plus 10. So 100 divided by 45 by 2, 2.5 ohms. Okay, 2.5 ohm, ये आ रहा है, ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया क्योंकि R1 55 दिया है, या फिर ये आ सकता है, तो 55 ये, तो अब लास्ट निकालना पड़ेगा, मतलब अब कोई फायदा नहीं है R2 निकालने का, ठीक है, do not calculate R2 because R2 is same in both the options, let's go for R3, R3 ये वाला है, ये क्या हो जाएगा Ra into Rb upon Ra plus Rb plus Rc. देख रहे हो गेट ने छोटा सा ट्विस्ट किया क्वेश्चन, बच्चों से गलत करवा दिया. Ra into Rb that is 20 into 10 divided by sum 40 0 0 5. Hence A is the correct option. आप लोगों ने R1 का फॉर्मूला लिख दिया था Ra Rb upon Ra plus Rb plus Rc, जो आपने याद किया हुआ है. इन्होंने यहां Rb Rc कर दिया हुआ था. सो ये छोटी छोटी चीजें हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा इन चीजों का. जल्दी जल्दी में सर दोनों, चलो कोई बात नहीं विजय, अब मतलब कोशिश करनी है, अभी बहुत क्वेश्चंस हैं, जस्ट ट्राई टू इम्प्रूव रैंक. कैलकुलेशन सर गलती किया, 10/4 का 5 लिखा, कोई बात नहीं, गेट में ये गलत नहीं होगा, ऐसे कैसे नहीं होगा, तो यहाँ भी तो ढंग से करो ना फिर. चलो अगला क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन गलत फ्रेम किया हुआ है इन्होंने, आरए नीचे लिखा है सर मैंने आरसी की जगह, मुझे समझ में आ गया था शांतन बच्चे, मैंने बोल दी, मुझे पता था क्या गलती हुई है. यूट्यूब में वॉल्यूम लो आ रही है आपकी, यार बेटा ऐसा नहीं होगा, यूट्यूब पे वॉल्यूम लो है क्या, बाकी लोग जो यूट्यूब पे क्लास कर रहे हो बेटा, वॉइस मेरी लो आ रही है, फिर गलत कर दिया किसी ने, वाह वाह क्या बात है. पोल नहीं आया रूपल, रिफ्रेश जल्दी से, पोल आया हुआ है, रिफ्रेश करो, ये रिवाइज करना था. सही है, इतना तो याद रहता है, इतना तो याद रहता है. स्टडी मोटिवेशन बेटा गलत है, गलत है. वी कैन नॉट अप्लाई द सुपरपोजिशन थ्योरम इन केस ऑफ पावर, ओके, व्हेन द फ्रीक्वेंसीज आर सेम. तो ये थ्योरम्स का क्वेश्चन यहाँ पे बेसिक्स में आ गया हुआ है. क्या हो गया तुम लोगों को, थोड़ा भी क्वेश्चन आगे पीछे हिल रहा है तो गलत. जब एक सोर्स लगाया तो पावर कितनी डिसिपेट हुई, 4 वॉट. जब दूसरा सोर्स लगाया पावर कितनी डिसिपेट हुई, 9 वॉट. ठीक है, तो जब दोनों सोर्सेज इकट्ठे लगाए, सो वी कैन नॉट से द पावर दैट गॉट डिसिपेटेड वॉज 9 + 4 = 13. ठीक है, क्योंकि इन केस ऑफ पावर द सुपरपोजिशन थ्योरम इज नॉट वैलिड. कब वैलिड है मैंने वो भी बताया हुआ है, वो आप क्लास के नोट्स चेक कर लो अपने. तो जनरलाइज फॉर्मूला क्या था, P इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ P1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ P2 होल स्क्वायर. बिकॉज करंट की डायरेक्शन नहीं पता है यहाँ पे क्या होगी, मुझे करंट्स ऐड होंगी सब्ट्रैक्ट होंगी मुझे नहीं पता है, तो मैंने जनरलाइज ले लिया. डालो वैल्यू, अंडर रूट ऑफ 4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 9 होल स्क्वायर, 2 प्लस माइनस 3 होल स्क्वायर. इफ यू गो विद द प्लस द आंसर इज 25 वॉट्स, इफ यू गो विद द माइनस द आंसर इज 1 वॉट. 25 डी ऑप्शन था और ये ए था, क्वेश्चन गलत फ्रेम किया हुआ इन लोगों ने, क्वेश्चन गलत फ्रेम हुआ था, मैंने इसीलिए ऑप्शन चेंज कर दिया उसी टाइम. ये देखो, फिर मैंने जब ऑप्शन चेंज करना था 1 और 25 में से एक मिटाना था, तो मैंने इसलिए
25 मिटाया, क्योंकि मुझे पता था कि जिन लोगों को थोड़ा बहुत याद होगा उनको याद होगा अंडर रूट ऑफ पी वन प्लस अंडर रूट ऑफ पी टू होल स्क्वायर, माइनस कौन कंसिडर करेगा, तो इसीलिए मैंने थोड़ा क्वेश्चन टफ करने के लिए माइनस वाला आंसर छोड़ दिया, प्लस वाला हटा दिया, ठीक है। मुझे पता है तुम लोगों ने क्या किया होगा, मुझे पता है तुम लोगों ने क्या किया होगा, मैं जानता हूँ कि तुम लोग प्लस ही लोगे, दैट्स वाई मैंने माइनस लेके आंसर किया, सो दैट यू आर क्लियर कि माइनस भी आंसर में आ सकता है। शांतन बच्चा 25 वॉट आ रहा है बट 1 वॉट भी आएगा, बिकॉज आपको ये नहीं पता कि यहाँ पे करंट की डायरेक्शन क्या है। सपोज वी की वजह से करंट नीचे है और आई की वजह से करंट ऊपर है तो माइनस साइन आएगा ना, और अगर दोनों की वजह से नीचे है तो प्लस साइन आएगा। पर क्या आपको पता है कि इनकी वजह से करंट सेम डायरेक्शन में है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में है, नहीं पता है ना, दैट्स इट, ठीक है। एमएस क्यों नहीं था, ये गलत क्वेश्चन फ्रेम था, सिंगल आंसर था। चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे चीजें याद हो जाएंगी, सीखी जाएंगी, है ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके ये तुम छोड़ दो, मैं सॉल्यूशन लिख देता हूं, है ना, तुम लोग छोड़ दो अभी, बेटा तुमने पढ़ा नहीं, अभी पढ़ाना है, अभी हम लोग पहुंचे नहीं, अभी ट्रांजिट चल रहा है ना, ये अभी डॉट पोलैरिटी आना है, ठीक है, अभी डॉट पोलैरिटी आना है ना बेटा। जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है आप लोग सॉल्व करो, ठीक है, जो लोग पहले से कर चुके हैं, नहीं तो मैं करता हूँ, ये क्वेश्चन सीख लो, वैसे सॉल्व कर देता हूँ। और जिस भी बेटा मैं फोन नहीं दे सकता ना, क्योंकि क्लास में अभी टॉपिक नहीं हुआ है, तो जिन लोगों ने पढ़ा नहीं है वो तो सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। 2 2 हेनरी इंडक्टेंस कॉइल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो कोई 2 हेनरी की कॉइल्स हैं, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, दीज आर द 2 कॉइल्स, 2 हेनरी, दीज 2 आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड आर ऑल्सो मैग्नेटिकली कपल्ड, ओके, इनके बाद में मैग्नेटिक कपलिंग है, ठीक है, टू ईच अदर, ओके, ये मैग्नेटिकली कपल्ड एक दूसरे के साथ, फाइन। द कोफिशियंट ऑफ कपलिंग बींग 0.1, कोफिशियंट ऑफ कपलिंग मतलब के दे दिया है 0.1, पूछ रहा है टोटल इंडक्टेंस कॉम्बिनेशन की कितनी होगी। सो यू सी द टोटल इंडक्टेंस विल बी L1 प्लस L2 प्लस माइनस 2m, बिकॉज मुझे नहीं पता सपोर्टिंग है कि अपोजिंग है, आई डू नॉट नो कि डॉट्स ऐसे लगे हुए हैं या ऐसे लगे हुए हैं, कैसे लगे हुए हैं, आई हैव नो आइडिया, तो मैंने दोनों कंसिडरेशन में ले ली, क्योंकि दोनों लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। नो एम आई नीड, सो एम का फॉर्मूला क्या होता है, के टाइम्स, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा दुखी नहीं होना, ये मैं सॉल्व इसलिए करके दे रहा हूँ ताकि बाद में जब तुम रिवाइज करो तुम्हारे पास हो ये सब कुछ। सो के इज 0.1 अंडर रूट ऑफ 2 into 2, हेंस म्यूचुअल इंडक्टेंस इज कमिंग एज 0.2 हेनरी, देयरफॉर इक्विवेलेंट इंडक्टेंस विल बी 2 + 2 + -2 × 0.2, that is L equivalent will be 4 + -0.4, so answer will be either 4.4 Henry or 3.6 Henry, so 4.4 D is the correct answer. Deep bro, लंबी लंबी सांस लेनी है, inhale exhale करना है और आराम करना है, ठीक है, आराम से solve करो, देखो question क्यों नहीं बन रहे, कहां, जब भी क्वेश्चन गलत हो रहा है, जब मैं सॉल्व कर रहा हूं तो सोचो कि गलत क्यों हुआ, ट्राई टू फाइंड द रीजन, यार कोई ना कोई कारण तो है ना गलत हो रहा है, ट्राई टू फाइंड द रीजन, घबराना नहीं है, दुखी नहीं होना है, ठीक है, परेशान नहीं होना है, टाइम 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 टाइमर चालू हो जा रहा है ना, वो फ्रस्ट्रेट कर रहा है, ठीक है, टाइमर चालू हो जा रहा है वो फ्रस्ट्रेट कर रहा है। मजा आता है आपके साथ PYQ करने में, यूट्यूब में बेस्ट PYQs आपके, थैंक यू स्टडी मोटिवेशन, थैंक यू सो मच बच्चा, चलिए गुड गुड शांतन, सही है, ठीक है, तो चिल रहना है, परेशान नहीं होना है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन तो यार सबसे बनना चाहिए, मैं टाइम भी दे देता हूँ दीप्रो, ये क्वेश्चन बनना चाहिए, मैं टाइम भी दे देता हूँ, 2 मिनट दे रहा हूँ मैं इस क्वेश्चन के लिए, दीप्रो आराम से करना, अगर बाई चांस 60 सेकेंड में नहीं बना तो जल्दी से क्लास के नोट्स खोल लेना, मुझे भी बहुत मजा आता है आपके साथ पढ़ने में, थैंक यू कुणाल बच्चा, सेम हेयर सर बट कुछ सीख रहा हूँ लग रहा है, तुम ज़्यादा सीखोगे, अंकुश चिंता मत करो, सब सही होंगे यार, सब सही होंगे, अभी 1-2 दिन हुई है ना नेटवर्क की क्लास, 2-3 दिन आप रोज़ कॉपी रिवाइज करके आओगे, थोड़े दिन हम क्वेश्चंस करेंगे, 3-4 दिन तो करो,
फिर धीरे धीरे आप ग्रुप में आ जाओगे वापस। कुछ मिसिंग है निकालना, कहाँ मिसिंग है यार? एक सेकंड में आंसर आ गया देख के। गुड गुड शांतन, गुड बच्चा, शाबाश, एक्सीलेंट। दीप्रो का हुआ, दीप्रो ने अभी भी सॉल्व नहीं किया। दीप्रो गलत बात है। क्लास के नोट्स खोल लो, तुम्हें सब पढ़ाया हुआ है क्लास में, तुम्हें मैंने इतनी गंदी लेवल तक बेसिक सिखाए थे, मैंने तुम्हें केसीएल केवीएल पे कितने क्वेश्चन करवाए थे, बस केवीएल घुमाना केसीएल देखना, कितने क्वेश्चन करवाए थे मैंने तुम लोगों को। शाबाश दीप्रो, सही हो गया, गुड। रॉन्ग क्लिक हो गया चेतन, गुड मुकेश, राइट। बेटा मिडल वाली ब्रांच में करंट की जरूरत है? वैसे मैं निकाल तो दूंगा अगर तुम्हें निकालनी है, पर मिडल वाली ब्रांच में जरूरत है करंट की क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? सब फास्ट करने की प्रॉब्लम है, बिल्कुल विजय, सत्य वचन है ये तो बिल्कुल। देखो भाई लोग जिनसे नहीं बन रहा है, क्या कर रहे हो तुम लोग? ये चाहिए तुम्हें, इस ब्रांच में करंट चाहिए, यहाँ पे 7 जा रहा है, यहाँ पे 5 जा रहा है, तो ऊपर कितना आ रहा होगा? 12। I4 और 12 ऑपोजिट डायरेक्शन में है बट एक ही ब्रांच में है। I4 कितना आ गया? -12 एम्पीयर। अब स्टडी मोटिवेशन यहाँ चाहिए बेटा, यहाँ से 7 आ रहा है, यहाँ से 4 आ रहा है, यहाँ से -12 आ रहा है, तो यहाँ मिल जाएगा। ओके सो यू कैन फाइंड इट। कितना इजी क्वेश्चन था यार क्लास में तुम लोगों को। आई थिंक मैंने केसीएल का पहला क्वेश्चन यही करवाया हुआ है, ठीक है, पर कोई बात नहीं, दुखी नहीं होना है, मेहनत करो। 2-3 दिन में, अभी बहुत क्वेश्चन है इसके बेसिक्स के, तो 2-3 दिन में तुम लोग जो है वो ग्रुप में आ जाओगे, चिंता मत करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, मुझे लगता नहीं है 100% दे पाओगे तुम इस बार। ठीक है, गुड गुड बच्चा, गुड नवीन, गुड गुड, एब्सोल्युटली राइट बच्चा, शाबाश, गुड। हाँ बेटा सही है नवीन, नवीन सही है बेटा, गुड गुड, स्टडी मोटिवेशन शांतन, गुड गुड, एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। तुम देख रहे हो कि कुछ बच्चों ने ये भी गलत कर दिया, मतलब बी सी डी सारे ऑप्शन मार्क किए हैं इन लोगों ने, मतलब ए से लेकर डी तक सब ऑप्शन टच कर दिए इन लोगों ने, ए बी सी डी सब मार्क कर रहे हैं। बेटा आंसर तो एक ही सही है ना ऋषिद, आंसर नहीं लिखना बेटा, ये पोल खत्म नहीं हुआ है ना, ये पोल खत्म नहीं हुआ है, आंसर नहीं लिखना है। देखो बेटा ये निकालना है, ये रहा केवीएल, क्या करना है इसे बताओ तुम लोग, जिसने ये भी गलत किया कि केवीएल भी गलत लगा रहे हो। ठीक है एक काम करो, उल्टा घूम जाओ, ऐसे तुम्हारे लिए इजी रहेगा, ऐसे कर लो केवीएल। सो अप्लाइंग द केवीएल, वी इज इक्वल टू -5 प्लस 4 प्लस 4, दैट इज वी इज इक्वल टू 3 वोल्ट्स, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कर दिया गलत ये भी। कोई कमेंट में आंसर के बिल में कुछ नहीं लिखेगा, कोई कुछ नहीं लिखेगा आंसर के बारे में, करने दो जो कर रहे हैं। हाँ शांतन आंसर तो बताओ कितना है इसका, इतने आंसर आते हैं। हाँ गुड, शाबाश नवीन बेटा, चेक करो गलत है, चेक करो एक बार, चेक करो। मैंने क्या बोला बेटा, आंसर में कोई कुछ नहीं लिखेगा, अभी चैट में चुपचाप बैठो अभी। गुड गुड शांतन, राइट बच्चा, एब्सोल्युटली राइट। अरे यूट्यूब भी तो चल रहा है ना सेशन अंकुश, यूट्यूब पे भी तो चल रहा है सेशन, यूट्यूब वाले बच्चे भी तो बच्चा कर रहे हैं ना सॉल्व, उनसे बातचीत कर रहा हूँ। गुड स्टडी मोटिवेशन, शाबाश अंकुश। टेंशन है अंकुश, बोल रहा है सर सही तो है, सर हिल गए हैं आज, सर को कुछ हो गया है, सर अपने आप से बातें कर रहे हैं। अब एक बात बताओ, जो क्लास वाले बच्चे हैं, अगर तुमने गलत किया है, तुम्हें याद है क्लास में मैंने कितना डांटा था, कितना समझाया था, कितना चिल्लाया था, वही सेम गलती, ठीक है? देखो कितना आसान सवाल था, है ना, वही देखो तुम लोगों ने कही। ये 2 एम्पेयर यहाँ से जा रहा है, कितना ड्रॉप आया, 4 वोल्ट। केवीएल अप्लाई कर देते हैं, है ना, वी इज इक्वल टू 4 + 5 इज इक्वल टू 9 वोल्ट। बेटा क्लास में 10 बार मैंने ये चीज बताई हुई है, द वोल्टेज अक्रॉस द करंट सोर्स इज नॉट नोन, इट इज अननोन। करंट सोर्स के अबाउट वोल्टेज नहीं पता है, मैंने 10 बार तुम्हें बताया था, व्हेन अ करंट सोर्स इज डिलीवरिंग सम करंट एट दैट टू अ सर्किट एट दैट टाइम, डू नॉट एज्यूम द वोल्टेज अक्रॉस द करंट सोर्स एज जीरो, द वोल्टेज ऑफ द करंट सोर्स डिपेंड्स ऑन द सर्किट इन विच इट इज कनेक्टेड। मैंने 4 बार ये लाइन बोली थी, फिर एक दिन क्वेश्चन करवाया था, ये सेम सवाल क्लास में करवाया था जब तुम लोगों ने गलत किया था, फिर मैंने कहा था कि आज के बाद कभी मत भूलना, तुमने कहा था हाँ नहीं भूलेंगे, फिर तुमने गलत किया, ठीक है? जो भी हो सही में उसको लग रहा होगा सर साथ में बिठा के बच्चों को पढ़ा रहे हैं आज, वही जिसने रिवाइज नहीं किया वही गलतियां कर रहे हैं बेटा, रिवाइज करो। चलो सर आपका नेटवर्क का यूट्यूब में कोई कोर्स है ऋषित, कोई क्रैश कोर्स हो सकता है पढ़ा हो बेटा, अब मतलब डिटेल्ड कोर्स कोर्स तो नहीं है कोई भी, क्रैश कोर्स हो सकता है कोई पढ़ा हो। अगला क्वेश्चन सबसे मुश्किल क्वेश्चन है, इससे मुश्किल क्वेश्चन गेट में नहीं आ सकता, मैं तुम्हें कोरे कागज पर लिख के दे रहा हूँ, इससे मुश्किल क्वेश्चन गेट में नहीं आएगा, ठीक है? द टफेस्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, कोई बात नहीं नवीन बच्चा, मिस्टेक मिस्टेक करी इसलिए रहे हैं ताकि हम गेट में ये गलतियां ना करें, तो हमने ये क्वेश्चन ये भी गलत कर दिया, किसी ने, दो लोगों ने गलत कर दिया, शाबाश। हम लोग इसलिए यहां पे गलती करते हैं ताकि हम सीख जाएं, अगली बार से जो है गलत नहीं होगा। क्या बात है, काफी लोग गलत कर रहे हैं भाई, तुम लोग क्या कर रहे हो यार, प्लीज इंक्रीज द टाइमर, ये कौन है अवनेश, क्या क्या सॉल्व करोगे टाइमर बढ़वा के, हे भगवान, ये भी गलत कर दिया तुम लोगों ने यार, ये क्या है, पैरेलल में है यार 10 वोल्ट, क्या सॉल्व, क्या टाइमर बढ़ाओ इसमें, ये और ये 10 वोल्ट पैरेलल में है, ये केवीएल यहाँ लगा लो 10 आ गया, क्या करना क्या चाह रहे थे। अरे चलो सही बात है, लोग बच्चों ने पिछले क्वेश्चन ज्यादा समझ लिया, कुछ तो होगा है ना, कुछ तो होगा इसमें भी। चलो भाई साहब अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो ईजी, मैंने ये क्लास में आपको नोट्स में लिखवाया हुआ है, 60 सेकेंड ले लेते हैं,
आज कपिल शर्मा नहीं आ गया, काम तो सारे ऐसे ही कर रहे हैं आज। 10 आएगा पैरेलल, गुड गुड एब्सोल्युटली बिल्कुल। शांतन नवीन स्टडी मोटिवेशन सबने सही किया यार। मुकेश गुड बच्चा, गुड एब्सोल्युटली राइट। बस इसके बाद आई थिंक 2-3 क्वेश्चंस हो रहे हैं आसान आसान से, देन वी आर डन फॉर द डे। ऊपर वाला नहीं पड़े तो राइट हुई। गुड गुड एब्सोल्युटली राइट शांतन, शाबाश बच्चा, शाबाश राइट, गुड गुड स्टडी मोटिवेशन, सही है बच्चा। सारे ऑप्शन तो हर सवाल में ये लोग लाते हैं, सोचते हैं कोई ऑप्शन वो निगलेक्टेड फील ना करे कि मुझे टिक नहीं किया। देखो यार तुम्हें मैंने लिखवाया हुआ है नोडल में, तुम क्या करते हो केसीएल लगाते हो और करंट्स वगैरह निकालने के लिए ओम्स लॉ का इस्तेमाल करते हो। सुपर नोड के केस में हम लोग केसीएल लगाते हैं और फिर सुपर नोड पे केवीएल भी लगाना पड़ता है और ओम्स लॉ तो लगता ही लगता है। इसी तरह मैश का भी तुम्हें पता है, जिन्होंने गलत किया बेटा लिख लो दोबारा से। मैश में यूज करते हैं हम लोग केवीएल और ओम्स लॉ, और सुपर मैश होगा तो केवीएल प्लस केसीएल प्लस ओम्स लॉ। क्यों सर? तो क्लास के नोट्स चेक करो बेटा, क्लास में सब लिखवाया हुआ तुम लोगों को वहां पे, ठीक है सर? कभी कभी एई वाले गेट से भी टफ क्वेश्चन देते हैं, ऐसा बड़ा रेयरली होता है, सारे तो छापे ही होते हैं, नॉर्मली ए का पेपर इजी आता है। ठीक है कोई बात, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद दो और क्वेश्चन है, देन वी आर डन फॉर द डे। फिर किसी ने गलत कर दिया जल्दी जल्दी में। वन मोर क्वेश्चन मतलब एक और क्वेश्चन करना है ये बोल रहे हो? दो क्वेश्चन हैं अभी, इसके बाद दो क्वेश्चन हो रहे हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से हैं और दोनों क्लास के ही हैं। गुड शांतन एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चा, एब्सोल्युटली करेक्ट। स्टडी मोटिवेशन वो तो है बेटा, मैं क्या करूँ, मजबूरी, आंसर तो मार्क करना है पोल का। मैं तभी तो कह रहा हूँ कि स्पेशल क्लास में आ जाओ, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे मतलब प्रॉपर मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं। वैसे भी अगर आप लोग इलेक्ट्रिकल के, आपको 3 फेज पढ़ना है तो आप 25 से, तो मतलब 25 से तो सारी यूट्यूब पे क्लासेस बंद है, 25 to 31, तो आप लोगों को आना ही पड़ेगा स्पेशल क्लास पे। तो एक बार आओगे तो देन यू विल रियलाइज कि स्पेशल क्लास के कितने बेनिफिट्स है। द वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल ए एंड बी, ए एंड बी के टर्मिनल के बीच में वोल्टेज पूछ रहा है, सामने सामने नोडल लगाना है यार, इससे ज्यादा साफ वो क्या बोलेगा आपको? वी एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई टू प्लस वी एक्स डिवाइडेड बाई टू, इनकमिंग है इसको उस साइड ले जाते हैं, 2 VX माइनस 1 इज इक्वल टू 6 और 2 VX इज इक्वल टू 7 और VX इज इक्वल टू 7/2 दैट इज 3.5 वोल्ट्स, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सुपरपोजिशन कर, चलो सुपरपोजिशन से कर लो, वो भी कोई ज़्यादा कठिन नहीं रहा होगा, इजी था बहुत, सुपरपोजिशन भी अच्छा मेथड है इसमें, गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
राइट नवीन, एब्सोल्युटली राइट बच्चा, 3.5 ही आंसर था, गुड गुड। किसी ने फिर गलत कर दी, इतनी जल्दी में क्यों रहते हो यार तुम लोग? सही है, तुम जितने गलत किया है, इतनी जल्दी क्या थी? गेट में ऐसे करोगे? मैंने कितनी बार बोला कि सीरियसली करो, ये बहुत बहुत बेनिफिट होगा तुम्हें इस क्लासेस इन क्लासेस का। लास्ट ईयर भी कितने स्टूडेंट्स हैं जिनका रैंक अच्छा आया, उन्होंने बोला कि सर PYQ की क्लास ने बहुत मदद करी। तो थोड़ा सीरियसली लो, आराम से सॉल्व करो। क्लास का सवाल बिल्कुल क्लास में करवाया वो, जब KCL समझा रहा था। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन, देन वी आर डन फॉर द डे, एंड दैट इज ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चन। नॉन क्वेश्चन में ओवर एक्साइटेड हो गया। 10 सही हुए हैं आज मेरे, कोई बात नहीं कुणाल, एक्यूरेसी बढ़ाएंगे कल से, है ना, थोड़ा और बढ़ेगा। सर मुझे क्वेश्चन क्लियर नहीं दिख रहा, ये यहाँ पे e power at एक करंट सोर्स है, यहाँ पे e power bt एक करंट सोर्स है, दोनों करंट ऊपर की तरफ हैं, यहां इंडक्टर में वोल्टेज पूछ रहा है, क्या चल रहे हैं हालात आज? गुड गुड, काफी ज्यादा अच्छा कंपटीशन चल रहा है आज। ये सर नेटवर्क जरूरी था, PYQ बहुत वेटेज है। हाँ बेटा ये तो है, गुड गुड हो जस्ट, वी गुड। तभी कहते हैं ना, इट एंट ओवर अंटिल इट्स ओवर। देखो बेटा, ई पावर वो इंडक्टर की वोल्टेज पूछ रहा है, यू नीड करंट। ई पावर at यहाँ से आई, ई पावर bt यहाँ से आई, तो करंट कितनी आ गई? ई पावर at प्लस ई पावर bt, एंड हेंस एज वी नो दैट द वोल्टेज ऑफ द इंडक्टर इज LdIdt, L इज 1, सो वी हैव टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ ई पावर at प्लस ई पावर bt, विच विल बी a ई पावर at प्लस बी ई पावर bt, डी इज द करेक्ट आंसर। कोई बात नहीं संगम, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगी बच्चे, और 5-6 भी आना है, बहुत है ना, 5-6 भी, इट्स गुड थिंग। कोई बात नहीं। सो आज का आखिरी सवाल, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, सर आप ये सॉल्यूशन कीजिए। बेटा कर दिया है ना, कर दिया, टाइमर खत्म होने के बाद तो करना ही था। चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, मैं लीडर बोर्ड जो है ना कम्युनिटी में डाल दूंगा, ठीक है, आई विल पुट इट इन द कम्युनिटी, कम्युनिटी में पोस्ट कर दूंगा लीडर बोर्ड आपका, कल वाला भी आज वाला भी। इसका आंसर याद हो गया था, चलो सही है, गुड शांतन, गुड, एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। आई डोंट फॉलो अन अकेडमी रूल्स, क्यों भाई क्या हो गया? ऐसा कुछ नहीं है, नहीं सही है सही है, आई एम बियॉन्ड लिमिटेशंस, आई एम इनफाइनाइट, है ना। वेलकम बच्चा वेलकम। चलो चंद्रशेखर, नहीं बेटा नहीं, KVL सही से लगाओ, और तुम पोल खत्म होने पहले ही क्वेश्चन मार्क डाल के, तीन गलत होने के बाद अब मैं फूट फूट कर ही लास्ट में आंसर देता हूँ, फूक फूक कर, अच्छा ठीक है, ओके बेटा, सो लेट्स हैव अ लुक। मुझे ई की वैल्यू चाहिए, सो आई एम अप्लाइंग द KVL, इस लूप में लगा रहा हूँ मैं KVL, ओके। ये जब 10 वोल्ट होता है, इसका मतलब क्या होता है, ये 10 है और कहीं रेफरेंस पे माइनस होगा,
है ना, यही मतलब होता है इसका। सो इफ आई अप्लाई द केवीएल, तो पहले टर्मिनल क्या आएगा, पीछे से आएंगे तो माइनस टेन, फिर माइनस फाइव, फिर माइनस ई, फिर माइनस वन एंड देन जीरो। सो ई को मैं अगर राइट हैंड साइड पे ले जाऊं तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बच गया, माइनस 16 वोल्ट। डन, मेरा आठ सही रहा सिर्फ। फिर भी आठ बहुत सही हो गया, तीन गलत होने के बाद ठीक है, आठ फिर भी दीप्रो बहुत सही हो गया, जिस हिसाब से तुम दुखी थे आज, देख रहे हो आठ बहुत अचीवमेंट है यार। चलो ठीक है आदर्श सर, लोकस डायग्राम इलेक्ट्रिकल के गेट सिलेबस में है क्या? बेटा मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लोकस डायग्राम है आई थिंक इट्स अ पार्ट ऑफ द सिलेबस, क्योंकि वो उसमें आ जाएगा ना स्टेट स्पेस में। तो एक्चुअली लास्ट वाले टॉपिक में ग्राफ थ्योरी नहीं है, फिल्टर्स नहीं है, नहीं ग्राफ थ्योरी है उसमें, इसमें अब ग्राफ थ्योरी शायद अब हटा दिया हुआ नए वाले सिलेबस में, मैं खुद भूल गया, आई हैव टू चेक, आई एम रियली सॉरी, सिलेबस मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, बट लोकस डायग्राम आई थिंक है, बट आई हैव टू चेक, आस्क मी टुमारो, आई लेट यू नो, देखना पड़ेगा, दिमाग से निकल गया, क्योंकि मैं ईसी और वो इंजीनियरिंग सर्विसेज तो गेट का पूरा इकट्ठा करवा देता हूँ ना, फिर लास्ट में बताता हूँ ये टॉपिक नहीं करने, तो मुझे ध्यान नहीं रहता मुझे। एनालॉग में हम 10 वोल्ट लिखा होता है तो प्लस 10 ही कंसीडर करते, नहीं करते स्टडी मोटिवेशन, बेटा गलत बोल रहे हो। क्योंकि मैं एनालॉग भी पढ़ाता हूँ इसलिए मुझे पता है, तो मैं बता रहा हूँ, जब ये वीसीसी होता है, दिस इज आरसी, वीसीई एंड आर ई, ठीक है, और ये सब आई सी आर। अगर मैं जब के वी एल लगाते हैं तो कैसे लिखते हैं, माइनस वी सी सी प्लस आई सी आर सी, बेटा ऐसे लिखते हैं क्योंकि ये ऐसे होता है वी सी सी, तो माइनस वी सी सी लिखते हैं। ग्राफ थ्योरी नहीं है, ग्राफ थ्योरी तो नहीं है, हटा दिया है उन्होंने, ग्राफ थ्योरी फिल्टर दोनों नहीं है। ईजी नहीं था दीप्रो, तुमने मेहनत करी है, ठीक है, लोकस आया है इलेक्ट्रिकल में, आए क्वेश्चन तो आए हुए इलेक्ट्रिकल में, पर अब है कि नहीं ये नहीं पता, क्वेश्चन तो आए हुए इलेक्ट्रिकल में। थैंक यू बच्चा, थैंक यू, फिल्टर पढ़ा दीजिएगा, क्लास में तो पढ़ाना ही है बेटा, प्लस वाली क्लास में तो पढ़ना ही है, कोई टॉपिक छोड़ना छोड़ता हूँ वहाँ मैं। चलो कविता, नेटवर्क क्रैश कोर्स यूट्यूब पे तो वो लास्ट में देखेंगे बेटा, है ना, लास्ट में जब एग्जाम आने वाला होगा ना दिसंबर में जाके, तब शायद करवा दूंगा, नवंबर दिसंबर में, अभी तो नहीं बेटा। चलो सो कल ध्यान रहे, ध्यान से मेरी बात सुन लो बेटा, जाने से पहले जो लोग चले गए चले गए, कल 9 PM पे थ्री फेज सर्किट्स पार्ट वन है यूट्यूब पे, याद रखना स्पेशल पे कल नहीं ले रहा, एक दिन के लिए यूट्यूब पे क्लास है, उसके बाद रोज स्पेशल पे है, कल यूट्यूब पे क्लास होगी, इस चीज का ध्यान रहे, 9 बजे होगी, किस चैनल पे, क्रिएट्रिक्स गेट एकेडमी, दोनों पे है, किसी पे भी आ जाना तुम लोग, जहां तुम कंफर्टेबल, कल पढ़ाना ही है, कल कोई क्वेश्चन तो है नहीं है, कल प्रॉपर पढ़ाई होगी, थ्री फेज सर्किट चलेगा, थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक है लेकिन झेलना तो पड़ेगा, क्योंकि पावर सिस्टम वगैरह पढ़ना है, मुश्किल हो जाएगा तुम लोगों को। विजेश बच्चा चेक करते रहना, मतलब मैं बता देता हूँ शेड्यूल क्या है, 24th को यूट्यूब पे क्लास है थ्री फेज, 25th स्पेशल पे, 26th स्पेशल पे, लेट मी चेक द कैलेंडर वंस, ट्वेंटी सिक्स को है, 27th को नहीं है, 28th को स्पेशल पे, ये मैंने थ्री फेज की क्लासेस डाली हुई हैं। अगर थ्री फेज जल्दी ख़त्म हो गया तो PYQ स्टार्ट हो जाएगा, अगर नहीं ख़त्म हुआ तो PYQ जो है एक क्लास और आगे चला जाएगा, और 29 से PYQ की क्लास डाली हुई है, जो डाल दी है मैंने, लेकिन अगर नहीं ख़त्म हुआ 28 को तो 29 को पढ़ाना पड़ेगा थ्री फेज, और मान लो 26 को ख़त्म हो गया थ्री फेज, तो 28 से PYQ होंगे, तो आप बस चेक कर लेना एक बार क्लास में आके क्या चल रहा है, इफ यू आर इंटरेस्टेड, ठीक है। कल के बाद यूट्यूब पे बच्चा कोई नवीन क्लास नहीं लेगा टीचर, 21st से 31st तक स्पेशल लर्निंग वीक है, सारी क्लासेस स्पेशल पे होंगी, कोई भी टीचर यूट्यूब पे क्लास नहीं लेगा अनअकैडमी का। गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट नवीन। यूट्यूब पे बेटा मैंने बताया सिर्फ कल, मतलब PYQ वाली क्लास जो है ये स्पेशल और यूट्यूब दोनों पे चलती है,
ठीक है, मेरी जो क्लासेस स्पेशल पे होती है वो यूट्यूब पे चलती चलती जैसे आज चल रही है, लेकिन 25 से लेकर 31 तारीख तक एक भी टीचर यूट्यूब पे क्लास नहीं लेगा अनअकैडमी का, सारी क्लासेस स्पेशल पे चलेंगी, फ्री क्लासेस पूरी फ्री हैं, आप लोग स्पेशल पे फ्री आके क्लास करिए 25 से 31 तारीख तक, फिर फर्स्ट से दोबारा से यूट्यूब पे वापस आ जाऊंगा मैं, ठीक है। चलिए बेटा, थैंक यू चंद्रशेखर, थैंक यू बच्चा, सो एवरीवन टेक केयर, गुड नाइट, हैव योर डिनर, सो आई विल सी यू पीपल टुमारो इन द यूट्यूब क्लास एट 9 PM। ओके वेदांश बच्चा, हैव फन सम टाइम, वेस्ट मत कीजिएगा सर, बढ़िया कोई सीरीज दिखी। चलो वेदांश, देखते हैं बेटा, देखते हैं, चलिए, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर द क्लास, गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर, गुड नाइट।